हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह की दुआओं से आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एक बहुत बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पे बनाएंगे आलू कटोरी चाट। आलू कटोरी चाट के लिए ऑब्वियसली हमें आलू ही ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे 3 कच्चे आलू ली हूँ। इसे इसका स्किन हटाकर पानी में डाल चुकी हूँ। अब इसे क्या करेंगे, साइड में रख लेंगे। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें अंदर में पानी और ग्रेटर से सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से निकाल कर सारे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये तीनों आलू को मैं ग्रेट कर चुकी हूँ। इसका जो ऊपर से धुंधला धुंधला सा स्टार्च है, इसे अच्छे से साफ पानी में धो लेते हैं। स्टार्च हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम पानी साफ होने तक इसे धो लेते हैं 2 से 3 बार में। देखिए, आलू से सारा स्टार्च जा चुका है, पानी बिल्कुल भी साफ है। ये देखिए, अब इसे क्या करेंगे, आलू को छान लेते हैं। छान कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। छन्नी में इसे अच्छे से छान लेंगे और इसे बर्तन में निकाल लेंगे। सारा पानी निकल जाने पर इसे निकाल कर अलग से रख लेंगे। यहाँ पे आलू का सारा पानी मैं निकाल चुकी हूँ। ये कितना खिला खिला सा बन चुका है। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी बनने के लिए, इसका कटोरी जो बनाएंगे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करने वाली हूँ। यहाँ से 2 से 3 चम्मच हमारा ये सूजी ऐड करेंगे। नॉर्मल घर पर जो उपमा बनाते हैं उसी से ही ऐड कर लेंगे 2 से 3 चम्मच। और इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आरारूट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच डाल चुकी हूँ। इसके अंदर में बिल्कुल भी नमक ऐड ना करें। आप इसे मिला लेंगे अच्छे से। हमारा आलू का जो ये मिश्रण है बिल्कुल तैयार है। देखिए, अब इसे क्या करना है आगे का स्टेप भी बताते रहूँगी। यहाँ पे एक छारा लेंगे, इस तरह का जो छारा होता है इसमें लेंगे और ये आलू का जो मिश्रण है इसे चारों तरफ से कटोरी का शेप दे देंगे। इसी तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा कटोरी का शेप दे देते हैं और से जो सेंटर में जो पार्ट है उसे थोड़ा सा डिप कर लेते हैं और इसे इक्वल चारों तरफ से इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, ये कटोरी का शेप हो चुका है। अब इसे क्या करना है चलिए बताती हूँ मैं आपको। कढ़ाई में तेल गरम होने रख चुकी हूँ। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसे क्या करेंगे, ये जो आलू वाला जो कटोरी है इस तरह का ये झारा को तेल का अंदर में रख लेंगे। एक कोट हो जाने के बाद में इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई होने देते हैं। नीचे के तरफ में थोड़ा सा लाल हो जाने के बाद में इसे निकाल लेंगे। इस तरह से झारे से इसे निकाल लेंगे। बहुत आसान सा तरीका, इसे निकालने में भी बहुत आसानी होती है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा सिक जाने पर इसे पलट लेंगे। ये आलू कटोरी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और ज़्यादा इसे डार्क नहीं करेंगे। इसका जो अंदर में जो गर्माहट रहेगा तो ये बिल्कुल भी जला कर रख देगा। इसे आप निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है और सेकंड जो है इसे भी डाल लेंगे। इस तरह से आप जितना मर्जी आप जितना कटोरी बनाकर इसे चाट बनाकर खा सकते हैं। अब इसे सेकने के बाद में इसे सर्व करेंगे। ये आलू का कटोरा जो है ये बिल्कुल भी बनके तैयार हो चुका है। अब इसे दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए, इसका आवाज़ से पता चल गया होगा कितना क्रिस्पी बना हुआ है। अब इसे इसका अंदर में फिलिंग डालेंगे और इसका चाट बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से रख लेंगे कटोरी को, उसका ऊपर में डालेंगे। मैं यहाँ पर उबला हुआ आलू इसे अच्छे से इसे छन कर लेकर आई हूँ। अब इस स्टफिंग इसका अंदर में अपना मर्जी से आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा आलू लेंगे, इसमें डाल लेंगे और इसमें डालेंगे इसमें कटा हुआ खीरा थोड़ा सा डालेंगे। बस इसके अंदर में और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, कटा हुआ प्याज। प्याज इसके अंदर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है
और इसका स्वाद को दोगुना बढ़ा देता है। इसमें डाल लेंगे और थोड़ा सा हरी चटनी, ये जो तीखी वाली धनिया और पुदीना की चटनी, इसका अंदर में डालेंगे। और इसमें डालेंगे ये जो चाट वाला चटनी, ये जो सॉस है ये मार्केट में बनाकर इसे यूज किया जाता है, मैं इसे होममेड घर पर बनाई हूँ। अब इसका ऊपर में डाल लेंगे और मीठी वाली ये गाढ़ी दही, इसका ऊपर में डालेंगे। इसका अंदर में इस तरह से डाल लेंगे और ये कॉर्नफ्लेक्स, छना हुआ कॉर्नफ्लेक्स, इसका ऊपर डाल लेंगे और इसका ऊपर में डालेंगे ये दही बड़े। दही बड़े इसे पीसेस करके डालेंगे, इतना बड़े तो इसमें नहीं आ पाएगा, इसे पीस करके डालूँगी और इसके ऊपर में रख लेंगे दही बड़े। वाह, ज़बरदस्त दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा, और इसे खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो इसे रख लेंगे दही बड़े को, ये देखिए बिल्कुल भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व कर चुकी हूँ, ऊपर से थोड़ा सा दही डाल लेते हैं और इसमें ये तीखी वाली चटनी, इसे भी डाल लेंगे और ये रेड वाली खट्टी मीठी इमली का चटनी, इसे भी डाल लेंगे। ये देखिए ये तैयार हो चुका है। इसके ऊपर में थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे और ऊपर से हरा धनिया इसे सर्व कर लेंगे। ये दिखने से आ गया ना आपका मुंह में पानी। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।